हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा कि आपको जो है सो एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक एंड वीडियो का लिंक दोनों ही मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाके आप जो है सो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इससे पहले वाले क्लास का। ठीक है, तो आज हम जो है सो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th का एंड 10th का मैथ का क्लास होता है पर डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ए एंड 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए व्हेन ए इक्वल्स टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ए बराबर ये दिया हुआ है, निकालने के लिए कह रहा है हाफ इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ए एंड हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ए, जहाँ जो है सो वैन ए इक्वल्स टू 0 और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जो भी है। ठीक है, तो चलते हैं इसको जो है सो इसका आंसर फाइंड करते हैं। निकालना हमें है ये वाला पहले। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, ट्रांसपोज ए पहले हम निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ए में आपको जो है सो पता होगा ट्रांसपोज ए कैसे निकालते हैं, जितने भी रो हैं उसको जो है सो कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहले इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, 0 ए बी माइनस ए 0 एंड सी माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज ए, ट्रांसपोज ए हमारा निकल गया है। तो अब हम जो है सो ए प्लस ट्रांसपोज ए निकाल लेते हैं। ए प्लस ट्रांसपोज ए 0 प्लस 0 0 ए माइनस ए, ये भी 0 बी माइनस बी, ये भी 0 माइनस ए प्लस ए, ये भी 0 0 माइनस 0 0 सी माइनस सी, ये भी 0 माइनस बी एंड बी प्लस बी, तो ये भी 0 माइनस सी और प्लस सी, ये भी 0 0 माइनस 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब जो है सो हमें निकालना क्या था, हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ए ये निकालना था ना। तो अब जो है सो हम निकाल देंगे, ये भी काफी सिंपल है। 0 0 0 0 0 0 0 0, अब हाफ से 0 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, किसी भी अंक को जो है 0 से गुणा करने पे 0 ही आता है। तो हमारा ये निकल गया, इसका आंसर 0, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हमें निकालना है ये हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए माइनस ए डैश, पहले ए माइनस ए निकाल लेते हैं। ए माइनस ए डैश ये हमारा है
जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और जीरो। ए डैश हमारा है जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जी जीरो एंड माइनस सी, बी सी एंड जीरो, ये वाला ए डैश है ना। तो अब जो है सो इसको निकालते हैं। जीरो माइनस जीरो तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ए माइनस माइनस ए माइनस और माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए हो जाएगा टू ए। बी माइनस बी ये भी टू बी हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस ए और माइनस ए माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा टू बी, नहीं नहीं यहाँ भी हो जाएगा टू ए। ठीक है, उसके बाद जीरो जीरो ये भी जीरो, सी माइनस माइनस प्लस टू सी, माइनस बी माइनस 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 बी। यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, बट यहाँ जो है सो ये माइनस ए एंड माइनस ए, तो माइनस टू ए होगा। माइनस ए माइनस ए माइनस माइनस का तो माइनस आ ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू ए। समझ में आया होगा आपको। यहाँ जो है सो बी माइनस ये ना बी माइनस, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, ये जो मैंने किया माइनस ए और माइनस ए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया इसलिए टू ए हुआ, बट एक आ जाएगा ये, बट बी ये जो है बी माइनस माइनस आ गया फिर माइनस बी है। तो यहाँ जो है सो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बट टू बी होगा। समझ आया हो, तो इस तरह से। ठीक है, माइनस बी माइनस टू बी माइनस सी और माइनस सी माइनस टू सी, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या था, 1/2 ए माइनस ए डैस। ठीक है, तो ए माइनस ए डैस हमारा निकल गया है, हमें निकालना है हाफ लगा के सिर्फ, टू बी माइनस टू ए, ये माइनस नहीं है, जीरो और टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी और जीरो। जब माइनस अंदर लेके जाएंगे गुना हो जाएगा ना, तो जीरो से गुना होगा तो जीरो ही हो जाएगा, बट यहाँ हाफ है और यहाँ टू ए है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ है 1/2 इंटू टू ए है, ऊपर में टू ए हो जाएगा, टू टू कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ए। ठीक है, तो हाफ से टू ए को गुना होगा तो ए बच जाएगा, उसी तरह हाफ से टू बी को गुना हो जाएगा तो दो दो कट जाएगा, जाएगा बी, फिर हाफ से टू माइनस टू ए को गुना होगा, दो और दो तो कट जाएगा बच जाएगा माइनस ए, इसी तरह ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा सी। यहाँ माइनस है, टू टू कट जाएगा माइनस बी माइनस सी, इसी तरह से ये भी जीरो, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फॉलोइंग मैट्रिक एज द सम ऑफ ए सेमेट्रिक एंड एंड ए एस क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी आप जो है सो क्लास करने बैठिए तो बुक लेके बैठिए, उससे आपको ना समझ में आएगा। ठीक है,
तो हमें पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो इसमें पहला है, थ्री फाइव वन माइनस वन, ठीक है। दूसरा है सिक्स माइनस टू टू, माइनस टू थ्री और माइनस वन, टू माइनस वन एंड थ्री। चार क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहले दो करते हैं। इसमें कह रहा है कि चेक करने के लिए सम ऑफ सेमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ, ठीक है। तो इसमें जो है सो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सेमेट्रिक एंड ए एसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको जो है ना ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। तो पहले को इसको जो है सो एक तो सेमेट्रिक में तोड़ना है एंड एसक्यू सेमेट्रिक में तोड़ना है, ठीक है। एक होना चाहिए सेमेट्रिक, और दूसरा जो इसको जब तोड़ेंगे, जैसे कि पहले दो मैट्रिक्स होता था तो उसको हम जो है सो जोड़ के एक करते थे, जोड़ते थे। तो उसी तरह एक ये मैट्रिक्स है, इसको हम तो उसको तोड़ना है, दो मैट्रिक्स बनाना है, और एक होना चाहिए सेमेट्रिक और एक होना चाहिए एसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके लिए जो है सो सिंपल सा दिमाग लगाएंगे कैसे बन सकता है। जब हम यहाँ इसको थ्री रखते हैं, ठीक है, और इसको भी थ्री रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको थ्री रखेंगे और इसको माइनस वन ही रखेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब इतना हमको पुराना है तो तीन में जो है सो जीरो जोड़ेंगे तो तीन ही आएगा, लेकिन यहाँ पाँच है, यहाँ हमने तीन लिया है, तो इसमें हमें दो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तीन है और यहाँ एक पड़ा था, यहाँ माइनस दो कर देंगे और यहाँ माइनस एक है तो यहाँ पे जीरो ही कर देंगे। अब इतना जो हमने लिखा, ठीक है, तो इसको जब हम ये एक जो है सो सेमेट्रिक और एक एसक्यू सेमेट्रिक, सेमेट्रिक होता था ए ट्रांसपोज ए के बराबर और एसक्यू सेमेट्रिक होता था ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो ये सेमेट्रिक है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये पहला वाला सेमेट्रिक निकलेगा हमारा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो रो को कॉलम में करना है थ्री थ्री, रो को कॉलम में करना है थ्री माइनस वन, है ना। ट्रांसपोज ये आया लेकिन ये दोनों सेम ही आया। जब इसका करेंगे तो ये एसक्यू सेमेट्रिक है, कैसे है? तो जीरो, जब इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, दो माइनस दो और जीरो, ये ट्रांसपोज आ गया हमारा, और ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद हमें एसक्यू सेमेट्रिक के लिए बराबर करना होगा माइनस ए के बराबर, तो माइनस ए निकालेंगे, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे जीरो में माइनस लगेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस लगाएं तो ये प्लस हो जाएगा और इसमें तो जीरो जीरो, ठीक है। ये हमारा क्या आया, माइनस ए माइनस ए, ये हमारा आया माइनस ए और ये ट्रांसपोज है, ये दोनों इक्वल्स टू बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो हमारा ये निकल के आ गया क्या, हमारा ये निकल के आया एसक्यू सेमेट्रिक। ये हो गया एसक्यू सेमेट्रिक और ये हो गया सेमेट्रिक। तो इसी तरह इसको भी तोड़ना है, इसको तोड़ना दिमाग लगा के कैसे जो है सो हम इसको तोड़ें और जो है सो सेमेट्रिक और एक जो है सो सेमेट्रिक बन जाए और एक एसक्यू सेमेट्रिक बन जाए, ठीक है। इसके लिए जो है सो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, दिमाग से बस हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, हम पहले इसको निकाल के देख लेते हैं कि ये सेमेट्रिक है या एसक्यू सेमेट्रिक है, क्या है, ठीक है। तो जब जो है सो इसको ये मान के चलो एक ए के बराबर है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ए हम निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज तो 6 माइनस 2 दो, माइनस दो थ्री माइनस वन, दो माइनस वन और थ्री, ठीक है। तो मिला के देख लो, जब ट्रांसपोज निकाला तो ये ऑलरेडी एक सेमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी सेमेट्रिक क्योंकि ये और ये बराबर हो गए,
तो इसमें क्या करना है, साइमेट्रिक तो ये हमारा पहले से है, और ये जो हमारा ए ट्रांसपोज निकला, तो हम जो है इसमें कुछ जोड़ना नहीं, कुछ तोड़ना नहीं, पहले साइमेट्रिक है, इसमें हम जो है सो जीरो जोड़ देंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वाले ठीक है, प्लस कर देंगे और जीरो से इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है हम इसको ब्रेक किए, तो एक मैट्रिक्स आ गया जीरो, और ये ऑलरेडी ये सेमेट्रिक है। अब हमें इसको एस क्यू सेमेट्रिक का दर्जा देना है। ठीक है, तो ये एस क्यू सेमेट्रिक इसको बनाना है। तो एस क्यू सेमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम जब ट्रांसपोज निकाल के माइनस के बराबर करना है, जब इसमें माइनस लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेमेट्रिक और इसकी सेमेट्रिक दोनों है, तो इसको हम जीरो से गुणा कर दिया, जीरो से इसमें प्लस कर दिया, तो निकल गया हमारा एक ही हो गया सेमेट्रिक। और ये एस क्यू सेमेट्रिक और सेमेट्रिक इसको दोनों ही मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस लगाने से नहीं लगाने से। ठीक है, तो ये दो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का किया। ठीक, तो इसका दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है सो एक क्वेश्चन नंबर 3 × 3 ऑर्डर का है, और क्वेश्चन नंबर 4 2 × 2 ऑर्डर का है, तो चौथा छोटा ही है। तीसरा में आप दिमाग लगाना, ठीक है, इसको ब्रेक करना, और जो है सो अब हम कल वाली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, या फिर से आगे अगर बचा है तो वो वाला करते हैं। हाँ, बचा हुआ है, दो बचा हुआ है, 11 और 12 बचा हुआ है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें जो है सो आप करके देख लेना। तो हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल जो है सो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, तो वो भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो।